यह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें लालू यादव का परिवार दिख रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट से आज लालू यादव के लिए बेहद राहत भरी खबर आई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज बेल मिल गई है, जिसके बाद कोर्ट से निकलते वक्त लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटी के चेहरे पर संतोष के भाव साफ दिख रहे हैं। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में बेल मिलने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। वहीं अपनी पार्टी के मुखिया और उनके परिवार को बेल मिलने के बाद आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत खुशी की बात है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देश देख रहा है कि किस तरह से एक वृद्ध आदमी को, जो कई कई बीमारियों से ग्रसित हैं और फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वैसे इंसान को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। एक ही केस में कई कई बार उनको परेशान किया जा रहा है, कोई बेल देता है, कोई उस बेल को तोड़वाता है, और सिर्फ इसलिए कि वो एक पिछड़ा का बेटा है, एक गरीब का बेटा। यही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव एक गरीब का, पिछड़े का बेटा आज इतने दुनिया में इतना बड़ा नेता, मुझे लगता है कि दूसरा निल्सन मंडेला, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम ही है, वो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को चमकता हुआ नहीं देख सकता, उनकी नजर में महिलाओं को, उनकी नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आज न्यायालय पर लोगों का जो भरोसा है वो इसीलिए है कि इतनी सारी बातों के बाद मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता, दुनिया जानती है, देश जानता है, इतने सारे दबाव के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद भी आज भी न्यायालय, कोर्ट कचहरी, आज भी वहां से इंसाफ मिलता है और लोगों का भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। मैं न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही फैसला दिया। और बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तीनों लोगों को 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। आज की सुनवाई में लालू परिवार के 3 सदस्यों के अलावा कुल 17 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे। गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम डाला था। सीबीआई ने अपनी जो पिछली चार्जशीट दायर की थी उसमें तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब लालू परिवार को राहत मिली है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले की अगली सुनवाई के दिन क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।